नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति पटेल आपका अपने देसी रसोई में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, जिसे आप फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये टमाटर की खेती है। यहाँ से हमने ताजे और पके टमाटर को तोड़कर ले लिए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, चटनी कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ऐसे ही लाजवाब चटनी बनाने के लिए चलिए चलते हैं अपने देसी रसोई में। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने ये 3 पाव टमाटर लिया हुआ है। टमाटर हमने एकदम पके पके लाल लाल लिए हुए हैं, इससे जो है चटनी अच्छी बनकर तैयार होती है। कच्चे टमाटर का हमें यूज नहीं करना है, इसमें हमें एकदम पके हुए टमाटर ही लेना है। टमाटर को हमें एकदम फाइन चॉप करना है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है। ऐसे ही हम एक एक करके सारे टमाटर को काट लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर को फाइन चॉप करके रख लिया है। अब चलिए देखते हैं कि टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 3 पाव टमाटर के लिए मैंने 50 ग्राम चीनी लिया है, 100 ग्राम गुड़, ड्राई फ्रूट्स में काजू लिया हुआ है और 5 फोरन, 10 से 12 लहसुन की कली और 3 लाल सूखी मिर्च। तो सबसे पहले हम गरम कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, उसमें 5 फोरन का तड़का लगाएंगे। पंचफोरन को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद उसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी 1 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे, फिर उसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। मिर्च को भी थोड़ा सा सॉटे करने के बाद उसमें हम कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे और साथ में ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी से गल जाएगा। इसको हम अच्छी तरीके से ऊपर नीचे चला लेंगे और इसको ढक्कन लगाकर पकने देंगे। 1 मिनट के बाद देखिए, टमाटर हमारा पानी छोड़ चुका है। इसको हम चला लेंगे और अभी इसको हम ढक्कन लगाकर और पकने देंगे। ये देखिए, करीब 10 मिनट के बाद टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है। अब इसमें डालेंगे गुड़ और साथ में ही डालेंगे चीनी। इन सब को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको भी अच्छी तरीके से मिलाकर अभी इसे हम 5 मिनट और पकने देंगे। चटनी में से टमाटर की पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, इसका मतलब है कि चटनी हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें हम काजू डालकर मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना अनुभव देसी रसोई में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।